आर वेरी वेल एट होम। एम के एच वीडियो सीरीज में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इसी सीरीज में हम अब आपके लिए लेके आ रहे हैं कॉमर्स 11th और 12th के अकाउंट्स के वीडियोस जो आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। मैं हूँ पूनम खेतान और मैं श्रीगंगानगर राजस्थान के एक इंग्लिश मीडियम सेकेंडरी स्कूल में पिछले 15 सालों से प्रिंसिपल हूँ। एज वेल एज आई एम टीचिंग, आई एम गिविंग कोचिंग टू 11th एंड 12th स्टूडेंट्स ऑफ अकाउंटेंस। तो ये सारे वीडियोज जो हम अपलोड करने वाले हैं, ये पूरा कोर्स होने वाला है आप सबके लिए, जिसके अंदर हम 11th और 12th के अकाउंट्स के पूरे सब्जेक्ट वाइज, पूरे टॉपिक वाइज आपको वीडियो अवेलेबल करवाने जा रहे हैं, जिसमें कहीं भी आपको और कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप चाहते हैं ये वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिले, तो आपको करना होगा हमारा चैनल सब्सक्राइब, दैट इज एम के एच मीट नॉलेज, और साथ ही सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। सो लेट्स टॉक अबाउट अवर टॉपिक। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 11th का अकाउंट्स का सिलेबस स्टार्ट। आपके 11th के कॉमर्स सब्जेक्ट में अकाउंट्स के अंदर 22 चैप्टर्स हैं। हम चैप्टर स्टार्ट करें उससे पहले मैं एक बार कहना चाहूँगी आप सभी बच्चों से, आपने खुद ये सब्जेक्ट सिलेक्ट किया है और कॉमर्स के अंदर इन फ्यूचर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं आपके लिए, जिसके लिए टाइम टू टाइम मैं आपको गाइड करती रहूँगी। लेकिन उससे पहले किसी भी सब्जेक्ट पे कमांड बनाने के लिए या किसी भी सब्जेक्ट को सीखने के लिए सबसे ज़रूरी बात जो है वो ये है कि आप अपने सब्जेक्ट से प्यार करें, तभी आप उसको ग्रास्प कर सकते हैं, उसके बारे में सीख सकते हैं। सो यू मस्ट बी प्राउड टू बी अ कॉमर्स स्टूडेंट। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके 11th के अंदर 22 चैप्टर्स हैं, जिसके अंदर से हम 20 चैप्टर्स हमारे इस वीडियो सीरीज में वन बाय वन और बहुत डिटेल में करने वाले हैं। एंड आई विल ट्राई कि पूरा क्लासरूम एनवायरनमेंट आपको प्रोवाइड करवाया जाए और टॉपिक वाइज सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझाई जाए। ये जो वीडियो सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये सीबीएसई स्टूडेंट्स के साथ साथ उन सभी स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत हेल्पफुल रहने वाला है जो स्टेट बोर्ड से अपनी 11th और 12th करने वाले हैं और जो एनसीईआरटी सिलेबस को फॉलो करते हैं, और सब पूरे ऑल ओवर इंडिया में ही ये सिलेबस जो है कॉमर्स का 11th 12th का ऑलमोस्ट सेम रहता है। तो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। 11th के अंदर आपका फर्स्ट चैप्टर है, दैट इज इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, यानी अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन। तो उसके बारे में उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि ये जो आपका सब्जेक्ट है अकाउंट्स, इसके अंदर ये आपके 100 मार्क्स की वेटेज होता है, और उस 100 मार्क्स में से 12 मार्क्स जो है वो थ्योरिटिकल पोर्शन है, और हम न्यूमेरिकल और प्रैक्टिकल के साथ साथ में उस थ्योरी पे भी बहुत ध्यान देने वाले हैं, क्योंकि वो बहुत जरूरी है किसी भी सब्जेक्ट को सीखने के लिए। उसकी थ्योरी पे, उसके बेस पे बहुत ध्यान देना जरूरी है, और आप सब भी ध्यान से सीखने वाले हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये यहाँ पे एक डेफिनेशन दी हुई है, और तो ये डेफिनेशन अभी आपको समझ में नहीं आएगी, लेकिन फिर भी आप पहले इसको नोट करेंगे, फिर स्टेप वाइज हम चीज़ों को सीखेंगे, और उसके बाद में ये डेफिनेशन को आप खुद समझ पाएंगे। ठीक है, डेफिनेशन जो है ये है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंट्स की तरफ से। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट विच आर इन पार्ट एट लीस्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ। तो ये डेफिनेशन आप अपनी नोटबुक में उतारें, और इसको हम डिफाइन जो है वो हम अगले स्टेप में करेंगे। तो डेफिनेशन के बाद में हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, और सबसे पहले हम करेंगे इसके अंदर प्रोसेस, एट्रीब्यूट्स या क्लासिफिकेशन, या जिसको कैरेक्टरिस्टिक्स भी आप बोल सकते हैं अकाउंटिंग की। ये तीनों ही टर्म्स
एक ही है, इसके अंदर आपको कंफ्यूज नहीं होना है. इफ एग्जामिनर आस्क व्हाट इज एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग और व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग और व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, तो ये सारी की चीजें उसके अंदर आएंगी और सेम टर्म्स जो है उसके अंदर रहने वाली है, बिल्कुल भी आपको कंफ्यूज नहीं होने वाला है होना है. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, दैट इज फर्स्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग, दैट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स. सबसे पहले आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, जैसे ही आप कॉमर्स के स्टूडेंट बन जाते हैं, सबसे जरूरी जो चीज ध्यान रखने वाली है वो ये है कि बिजनेस जब भी आप स्टार्ट करते हैं, चाहे वो सोल प्रोप्राइटर है, चाहे वो पार्टनरशिप में है, चाहे वो कंपनी में की बात करते हैं, तो बिजनेस जो है वो एक सेपरेट एंटिटी रहती है. सेपरेट एंटिटी का मतलब कि बिजनेस जो है उसका अस्तित्व जो है वो अलग है और बिजनेस चलाने वाले का जो अस्तित्व है वो बिल्कुल अलग है. तो हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखेंगे और इस चीज ये चीज़ अगर आपको समझ में आ गई तो बहुत हेल्प करने वाली है ये चीज़ें. तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, इसका मतलब क्या कि जब भी हम कोई ट्रांजेक्शन करते हैं, बिजनेस के अंदर बहुत सारी ट्रांजेक्शन होती है, तो उसको हमने आइडेंटिफाई करना है. आइडेंटिफाई करने का मतलब कि लेट्स टेक एन एग्जांपल, लाइक दिस इज अ मैन, इसका नाम आप कुछ भी रख लीजिए, मान लीजिए इसका नाम है अबू. ठीक है, इसने स्टार्ट किया एक बिजनेस. ठीक है, ये एक बिजनेस स्टार्ट करता है, ये बिजनेस स्टार्ट करता है, ये फर्नीचर का इन्होंने ट्रेडिंग स्टार्ट किया. ठीक है, ये बिजनेस इन्होंने फर्नीचर का ट्रेडिंग स्टार्ट. अब क्या होता है कि अभी ने क्या किया कि 1 लाख का फर्नीचर, यानी जो कि उसके लिए क्या है गुड्स, जिस चीज का वो बिजनेस कर रहा है वो उसके लिए क्या है गुड्स, तो वो फर्नीचर यानी 1 लाख रुपए का उसने फर्नीचर खरीदा जिसको ये बोलेगा गुड्स परचेज. ओके, 10 सोफे के सेट खरीदे जो 10-10 हजार रुपए के थे और वो 1 लाख का. उसी के साथ वो सोफा उसको आ जाता है पसंद, तो वो सोचता है कि क्यों ना एक सोफा हम मेरे घर के लिए ले लिया जाए. तो वो क्या करता है कि एक सोफा अपने घर के लिए भी खरीदता है जो कि 10,000. अब जो मैंने आपको सेपरेट एंटिटी वाली बात बताई, ऑल्दो ये बिजनेस किसका है इसका, लेकिन फिर भी जो ट्रांजेक्शन बिजनेस के अंदर हुई है हम अपनी बुक्स के अंदर सिर्फ वही ट्रांजेक्शन ऐड करेंगे और उनको नोट करेंगे जो ट्रांजेक्शन घर के लिए हुई है या बिजनेस के अलावा किसी भी चीज के लिए हुई है उसको हम अपनी बुक्स के अंदर ऐड नहीं करेंगे. आई होप आपको ये बात समझ में आ गई. फिर आता है सेकंड स्टेप, दैट इज मेजरिंग द आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन. मेजरिंग का मतलब क्या, मेजरिंग का मतलब ये कि बिजनेस के अंदर जितनी भी ट्रांजेक्शन होती है उसको हम सिर्फ और सिर्फ किसमें मेजर करते हैं, मनी की टर्म्स. ठीक है, सिर्फ रुपयों में यानी मनी टर्म्स में ही हम नोट करेंगे. उसका एक एग्जांपल देती हूँ आपको, लाइक आप अपने बिजनेस रन कर रहे हैं, आपने किसी को एज ए रिसेप्शनिस्ट अपॉइंट किया. ठीक है, आपने मिस्टर मिस वाई को जो है वो एज ए रिसेप्शनिस्ट अपॉइंट किया, तो क्या उसकी एंट्री होगी? नहीं, क्योंकि उसकी उसको अपॉइंट करने की कोई एंट्री नहीं होगी. लेकिन जिस दिन आप अपने असिस्टेंट को, अपने रिसेप्शनिस्ट को पेमेंट करेंगे, सैलरी पे करेंगे, उस दिन उसकी एंट्री आपकी बुक्स के अंदर हो जाएगी. यस, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप है आफ्टर मेजरिंग, दैट इज रिकॉर्डिंग. रिकॉर्डिंग का मतलब क्या कि जो भी ट्रांजेक्शन बिजनेस के अंदर होती है उसको रिकॉर्ड करना बहुत जरूरी है. आपने देखा होगा हम रूटीन लाइफ में कितनी ट्रांजेक्शन करते हैं, बहुत कम ट्रांजेक्शन करते हैं, बट क्या ऑल ट्रांजेक्शन को हम हमेशा याद रख सकते हैं? इट्स नॉट पॉसिबल. इसीलिए उसको बुक्स के अंदर लिखा जाता है.
ठीक है, कोई भी ट्रांजेक्शन बिजनेस के अंदर की, आपने कोई कुछ परचेज किया, आपने कोई कुछ सेल किया, कोई सेल्स रिटर्न हुई, परचेज रिटर्न हुई, किसी को पेमेंट की, किसी को पेमेंट दी, किसी से पेमेंट उधार ली, ये सारा जो प्रोसेस है, ये सारी जो चीज़ें जो नोट हैं वो हम किसके अंदर करते हैं, एक बुक होती है जिसको हम बोलते हैं जर्नल। क्या बोलते हैं? जर्नल। लाइक दैट इज योर बुक, दिस इज कॉल्ड जर्नल। ठीक है, जैसे आपने कोई भी ट्रांजेक्शन हुई बिजनेस के अंदर, आपने 1 लाख का गुड्स जो है वो परचेज किए, ठीक है, तो किसके अंदर एंट्री हो जाएगी? जर्नल, ताकि किसी भी तरीके की ट्रांजेक्शन जो है उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी बनी रहे और कोई भी किसी तरीके का डाउट नहीं हो और हमें अपने बिजनेस के बारे में सारी चीजें एक जगह से मिल जाए। तो इसको हम बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं, इस स्टेप को बोलते हैं रिकॉर्डिंग। ठीक है, और कौन सी बुक में होती है? जर्नल के अंदर। ओके, द नेक्स्ट स्टेप इज क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग का मतलब क्या? क्लासिफाइंग मीन्स कि बिजनेस, जब भी आप किसी भी तरीके का बिजनेस जब आप चलाते हैं तो उसमें एक ही तरीके की तो ट्रांजेक्शन नहीं होती ना। कभी आप कुछ परचेज कर रहे हैं, कभी आप कुछ सेल कर रहे हैं, किसी से कैश पेमेंट ले रहे हैं, कुछ एसेट्स खरीद रहे हैं, कुछ आपने बिल्स जो हैं वो लिख के दिए हैं, कोई बिल पेमेंट होने वाले हैं, कोई बिल जो है रिसीव करने वाले हैं, तो ये बहुत सारी ट्रांजेक्शन जो है हमारे बिजनेस के अंदर होती है। तो हमें एक तरीके का डाटा एक जगह पर मिल जाए, इसके लिए हमें क्या करना होता है? उसको हम क्लासिफाइंग करते हैं। लाइक आपने जर्नल में एंट्री कर दी, यानी रिकॉर्डिंग प्रोसेस में हमने क्या किया? उस ट्रांजेक्शन को सबसे पहले हमने क्या किया? उस ट्रांजेक्शन को पहचाना कि वो जो ट्रांजेक्शन है क्या वो बिजनेस से रिलेटेड है या पर्सनल है। अगर वो बिजनेस से रिलेटेड है और मनी क्या उसके अंदर है तो हम इसको क्या करते हैं? जर्नल के अंदर रिकॉर्ड करते हैं, उसको एंट्री करते हैं। मान लीजिए कोई आपके पास में आता है, राम आया आपके पास में, आप भी बिजनेस चल रहे हैं और उसने कहा कि मैंने आपको 1 लाख रुपीज देने थे, उसमें से 50,000 मैंने इस डेट को आपको दे दिए, तो क्या आप पिछले 6 महीने की एंट्री पूरी जर्नल को निकालेंगे? नहीं। उसका प्रोसेस क्या होता है? उसका सबसे बढ़िया तरीका ये होता है कि जनरल में एंट्रीज होती है, उसके बाद में उन सभी अकाउंट्स को उनके नेम के अकॉर्डिंग अलग अलग क्लासिफाई कर दिया जाता है, ताकि एक तरीके की ट्रांजेक्शन हमें एक बुक में मिल जाए, जिसको कि हम बोलते हैं लेजर। इसके अंदर होती है ये सारी एंट्रीज, लेजर। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे आपने जनरल के अंदर जो है बहुत सारी एंट्रीज कर रखी है, सेल्स की, परचेज की, ये वो, तो हम अब उनको क्या करेंगे कि सबको हम क्लासिफाई करेंगे। लाइक इसके अंदर से जो सेल्स है वो हम सेल बुक में लिखेंगे। ठीक है, ये इस डेट हुई, इस डेट हुई, ये इतने रुपये हुई, इतने रुपये हुई, ये सारी सेल्स बुक में आ गई। देन आ गई आपकी परचेज बुक। ठीक है, ऐसे ही सेल्स रिटर्न, परचेज रिटर्न, कैश बुक, बहुत सारी जो बुक्स होती है उनको हम क्या बोलते हैं? लेजर। इसको हम खाता बोलते हैं, यानी अलग अलग नेम से, अलग अलग टाइटल से आप अलग अलग खाते बना लेते हैं, अलग अलग नाम से, ताकि आप उनसे रिलेटेड जो एंट्रीज हैं वो आपको एक जगह मिल सके। तो नेक्स्ट स्टेप आता है समराइज। अब आपके पास में सारा डाटा अवेलेबल है कि कितनी सेल्स हुई, कितनी परचेज हुई, कितना कैश आया, कितना कैश गया, कितने हमने एक्सपेंसेस किए, कितने हमने हमारे जो रिसीवेबल्स हैं वो सारी चीज़ें आपके पास में आ जाती हैं। अब हम क्या करते हैं? उन सारी चीज़ों को समराइज करते हैं। यानी अगर आपको टोटल सेल्स देखनी है तो आप क्या करेंगे? सेल्स बुक ओपन करेंगे, उसमें डे वाइज जो है वो आप सारी सेल चेक करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता। जब बिजनेस होता है उसके अंदर क्या होता है? चीज़ों को समराइज किया जाता है, ताकि हमें ये पता चले, क्योंकि एक फाइनेंशियल ईयर होता है जिसके अंदर हमें सिर्फ ये पता लगाना होता है कि हमने पूरे साल में कितनी सेल्स की, तो उसको हम समराइजिंग बोलते हैं। उसके लिए हम 3 अकाउंट बनाते हैं, 3 प्रोसेस हैं उसके, दैट इज ट्रायल बैलेंस, देन वी मेक P&L अकाउंट, जिससे हमें ये पता चलता है कि हमें प्रॉफिट
प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, और उसके अनुसार में हम बनाते हैं अपने बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट के अंदर सारी चीजें आ जाती है कि हमारे बिजनेस के अंदर कितनी कैपिटल लगी हुई है, हमें कितना प्रॉफिट हुआ है, हमारे पास में रिजर्व कितनी है, हमारे पास में एसेट्स कितनी है, हमारी लाइबिलिटीज क्या है। तो बैलेंस शीट जो है वो आपके बिजनेस के लिए एक मिरर का, एक दर्पण का काम करता है, जो आपके जो यूजर्स होते हैं और जिन जो आपके बिजनेस के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं उनको ये बताता है कि आपके बिजनेस की पोजीशन क्या है, आपका बिजनेस कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। तो ये सारी चीजें किसमें आती है, समराइज में। नेक्स्ट स्टेप है हमारा एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन। इस स्टेप में हम क्या करते हैं कि हमें पता चल गया है कि हमारे बिजनेस के अंदर हमारे बिजनेस की पोजीशन क्या है, कहाँ हम स्टैंड कर रहे हैं, क्या प्रॉफिट है या क्या लॉस है, क्या रिजर्व है, सरप्लस है। लेकिन उसको एनालाइज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिजनेस को रन करने के लिए बहुत सारी चीज़ें जो है हमें मार्केट से सीखनी पड़ती हैं, हमारे जो कॉम्पिटिटर होते हैं उनको भी ध्यान रखना पड़ता है, और हम अपने बिजनेस को मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए बना के रख सके उसके लिए इन सारी चीज़ों का इंटरप्रिटेशन होता है। कि जो एनालाइज जो डाटा हमने उन्होंने कलेक्ट किया है, जो समराइजिंग की है, जो बैलेंस शीट है, क्या वो सही है और हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, और हम अपने बिजनेस को और ज़्यादा हाइट्स पे कैसे लेके जा सकते हैं, उसको और ज़्यादा प्रॉफिट हम कैसे दे सकते हैं, वो जो प्रोसेस होता है उसको हम बोलते हैं एनालाइजिंग और इंटरप्रिटेशन। ये बड़े बड़े कंपनीज के अंदर जो मैनेजर होते हैं या सीईओ होते हैं ऑडिटिंग के टाइम में, या वो सारी चीज़ें जो है यहाँ पे किस लेवल पे इंटरप्रिट। नेक्स्ट इज कम्युनिकेटिंग। अब कम्युनिकेटिंग का मतलब क्या, कि आपके बिजनेस के अंदर दो तरीके के यूजर्स होते हैं। एक होते हैं आपके इंटरनल यूजर और दूसरे होते हैं आपके एक्सटर्नल। और ये बैलेंस शीट जो आती है, आपको पता होना चाहिए कि ये बैलेंस शीट जो है वो बिजनेसमैन क्या करते हैं कि उनको अपनी मैगजीन के अंदर ये जो इस तरीके की सेबी की जो गाइडलाइंस आती है उनको ध्यान में रखते हुए उन बैलेंस शीट को वो आगे अपने यूजर्स के लिए प्रोवाइड करवाते हैं, ताकि कोई अगर आपके बिजनेस के अंदर पैसा लगाना चाहता है, इन्वेस्ट करना चाहता है, आपके शेयर अपने मार्केट के अंदर पब्लिश कर देते हैं, पब्लिकली उनको इश्यू कर देते हैं, तो आप वो आपके बिजनेस की पोजीशन को पता लगाएंगे, उसके बाद ही अपना पैसा जो है आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। तो और भी बहुत सारे रीजन होते हैं जिसके कारण से हर बिजनेस जो है वो अपनी पोजीशन को, अपनी जहाँ पे वो स्टैंड कर रहा है उससे बैलेंस शीट को अपने यूजर्स के लिए प्रोवाइड कराता है कि हम यहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं और हमारा आज के टाइम में ये सिचुएशन है। तो ये कम्युनिकेटिंग का प्रोसेस होता है जिसमें कि सारा डाटा जो है वो हम अपने यूजर्स के लिए, बिजनेसमैन जो है वो इंटरनल यूजर हो सकते हैं और एक्सटर्नल यूजर हो सकते हैं, उनके लिए प्रोवाइड करता है। ये सारे स्टेप जो भी पढ़े हैं हमने, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, इन सभी स्टेप्स पे अलग अलग चैप्टर्स बने हुए हैं, उन चैप्टर्स को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। एक बार आज के लिए आपका काम ये है कि इस लेसन को आप पूरा रिवाइज करें, इनके नोट्स बनाएं और उनको कंटिन्यूसली आप स्टडी करें, और न्यूमेरिकल और प्रैक्टिकल से पहले आप थ्योरी पे भी ध्यान दें, ताकि आपका बेस जो है वो स्ट्रांग हो। यस स्टूडेंट, तो जैसे मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही बोला था कि ये जो डेफिनेशन है ये आपको हम एंड में वापस करेंगे और आपको खुद समझ में आने वाली है, क्योंकि हमने अब अकाउंटिंग का प्रोसेस सीख लिया है, उसके स्टेप्स के बारे में जान लिया है, तो अब इस डेफिनेशन को आप खुद समझ सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स विच आर इन पार्ट एट लिस्ट ऑफ फाइनेंशियल क्रेडिटर्स एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर। सो ये हमारा प्रोसेस है, दैट इज आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइज एंड कम्युनिकेट। ठीक है, तो अब इस तरीके से हम इसको समझेंगे। पहले जो है ट्रांजेक्शन को हम समझते हैं उसको, कि
किस तरीके की ट्रांजेक्शन है और हम सिर्फ बिजनेस ट्रांजेक्शन को हमारे अकाउंटिंग के अंदर इंक्लूड करते हैं, पर्सनल ट्रांजेक्शन को हम अकाउंटिंग में इंक्लूड नहीं करते। देन मेजरी, यानी मेजरी किससे, सिर्फ हम मनी जो टर्म्स होती हैं उसी को अपने जर्नल के अंदर, अपने बुक्स के अंदर रिकॉर्ड करते हैं, दैट इज रिकॉर्डिंग। तो हमने पहले इसको देखा रिकॉर्डिंग, सो रिकॉर्ड किस में करेंगे आप, जर्नल बुक्स के अंदर, ठीक है। देन क्लासिफाइंग, क्लासिफाइंग मतलब अपनी जो ट्रांजेक्शन है उनको अलग अलग बांट देना ताकि हम उनको ध्यान से और सिस्टमेटिक ढंग से समझ सकें, हमारे पीएनएल को जान सकें कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, उसी के प्रोसेस के अंदर हम उसको क्लासिफाई करते हैं, जिसको हम बोलते हैं लेजर, यानी अलग अलग बुक्स के अंदर, ठीक है। देन दिस इज समराइजिंग, समराइजिंग यानी जब हम समराइज करते हैं और खातों को, सभी अकाउंट्स को समराइज कर लेते हैं ताकि हमें प्रॉफिट एंड लॉस का पता चले, अपने बैलेंस शीट बनाते हैं और उसके अंदर तीन चीजें बनाते हैं, दैट इज ट्रायल बैलेंस, पीएनएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। एंड द नेक्स्ट वन इज मनी के अंदर, आपको बताई दिया है हम सारे मनी ट्रांजेक्शन को ही इसके अंदर ऐड करते हैं। देन दैट इज इंटरप्रेट, इंटरप्रेटिंग में क्या मिलता है, जब हम एनालाइज करते हैं जो हमारा रिजल्ट आता है, जो हमारा पीएनएल अकाउंट से या बैलेंस शीट से, कि हमें प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, वो सारी चीज़ों को एनालाइज करना कि ऐसा हुआ, अगर लॉस हुआ है तो किस रीजन से हुआ है, प्रॉफिट हुआ है तो उसको हम और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, तो वो आपका इंटरप्रेटिंग के अंदर आता है। और रिजल्ट, या रिजल्ट यानी कम्युनिकेट करना अपने यूजर्स को, जो कि एक्सटर्नल भी हो सकते हैं और इंटरनल भी हो सकते हैं। तो अब आप इस डेफिनेशन को अच्छे से समझ पाएंगे और याद भी रख पाएंगे और बहुत ईजी होगा। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा पहला स्टेप आपके फर्स्ट चैप्टर का, दैट वॉज इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, जो कि आपने प्रोसेस सीखा या जिसको हम कैरेक्टरिस्टिक्स या एट्रीब्यूट्स कुछ भी बोल सकते हैं, तीनों में से कोई भी टर्म आए जो स्टेप रहेंगे वो ये ही रहेंगे। इसको आप किस तरीके से भी याद करेंगे, आई एम आर सी एस ए एंड सी, इस तरीके से आप याद करेंगे, बहुत जल्दी आपको याद होने वाला है। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस।